नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ यूजीसी नेट से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट और साथ ही साथ सी टेट के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसको जो है रट लेना है। इसका हमने जो है पीडीएफ भी दे दिया है, पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में भी दे दिया है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आइए सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा अच्छा अध्यापक वह है जो यहाँ पर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा अध्यापक उसे कहते हैं जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। ये किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में। जर्मनी में खोले गए थे। जो आंसर हम आपको बता रहे हैं ऑथेंटिक आंसर है, इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रूफ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? ये डीपी नन का था। डीपी नन ने कहा था शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिप्रेरण एक क्या है? मनोवैज्ञानिक अवस्था है। यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में स्वशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ध्यान दीजिएगा, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। ये बी आंसर सही है दोस्तों। हमने यहाँ पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको इसको बार बार पढ़ना है, याद करना है और उसके हिसाब से आपको जो है इसकी तैयारी करना है। देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। शिक्षण क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, एक कौशल का नाम है, एक कौशल है शिक्षण क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद इसमें से कंप्लीट हो गया। दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, दसवां क्वेश्चन, यहाँ पर दसवां क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। यदि टीचर सिगरेट पिएगा तो बच्चा उसको सम्मान नहीं देगा, वो भी सिगरेट पीना प्रारंभ कर देगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यहाँ पर शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप उसे क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पर शिक्षण की परियोजना पद्धति है बालक केंद्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद कर लेना है। आप नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? क्या क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, यानी कि डी आंसर सही है। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। इसी तरह का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होता है, तो आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 17 नंबर वाला क्वेश्चन जो है। यहाँ पर आइए देखते हैं, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ये भ्रमण विधि सबसे उत्तम माना जाता है दोस्तों। कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम होता है? अपने छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, यानी कि डी आंसर सही है दोस्तों।
यहाँ पर चारों तीनों ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो यहाँ पर बी देखिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। आप जानते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो है सभी बच्चों से इस तरह के राष्ट्रभक्ति से संबंधित प्रश्न, नाटक, एकांकी मंच प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों का और छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियों एवं योग्यताओं का। 22 नंबर क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है? यहाँ पर परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन, यानी कि ये सभी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन, छात्रों का गृह कार्य दिए जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है, राष्ट्र शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमजोर विधि मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, और सबसे बेस्ट मानी जाती है ये दृश्य श्रव्य विधि, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर देखिए, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो यानी कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? यहाँ पर गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही आंसर है। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? स्वयं करके विधि जो है ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है दोस्तों, ठीक है, स्वयं करके। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। और क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, ये डी आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्रों जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचनी चाहिए? लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। यहाँ पर 33 नंबर, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? तो यहाँ पर हर्बर्ट ने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत सारे बच्चे आप इसका आंसर जानते होंगे, शिक्षण की समस्याओं को हल करने के दायित्व तो किसका है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों का है। यहाँ पर पहले हम इसको टिक मार देते हैं ताकि आप जो है इसको समझ जाए। यहाँ पर कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षण सामग्री का खुद खूब प्रयोग होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही है। यहाँ पर देखिए, अब जो है देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? खेल का मैदान, ध्यान दीजिएगा, ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य, यही प्रमाण पत्र देते हैं दोस्तों कि शिक्षक की योग्यता और आचरण कैसा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो है, शिक्षक का मूल कार्य है अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, ये उपरोक्त सभी आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और अधिक आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये उपरोक्त सभी है। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए,
यहाँ पर बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये प्रश्न भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 42 हो गया। आप देखते हैं यहाँ पर किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला और कुशल प्रबंधक होना चाहिए। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही है, 45 नंबर। यहाँ पर इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ये अभी अभी जून 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर 47 नंबर, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बालक केंद्रित होने चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनको सीखना है उस पर केंद्रित होना चाहिए न कि शिक्षक। यहाँ पर देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक के प्रति जो है पूर्ण समर्पण होनी चाहिए, यह 48 नंबर क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो, वहीं से चालू करेंगे तो उनको जल्दी समझ आएगा। पूर्व ज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है शिक्षण के लिए। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, समाज और छात्रों के प्रति। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक की कार्यकुशलता कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। यहाँ पर सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, यानी कि उपरोक्त सभी इसी तरह से पढ़ाना चाहिए। यदि आप टीचर बन जाएं तो इसी का प्रयोग करना चाहिए आपको जो है। देखिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, ये फ्रोबेल ने। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन कौन सा लाभ होता है, कौन कौन सा लाभ होता है। यहाँ पर जो है उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग और नियम पालन का अभ्यास, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही है। देखते हैं लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए दो स्लाइड बचा है। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या होनी चाहिए, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। 57 नंबर, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को कहते हैं निगमन विधि, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आपको जो है 57 नंबर बताया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है, ये रेमांड की है, रेमांड की है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट स्लाइड है और इस लास्ट स्लाइड के माध्यम से आप जान सकेंगे। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है, ये रेमंड की है, हमने इसको बता चुका है। किस पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए, विकास चरण में। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसका ऑप्शन जो है नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। मुझे यदि पूछा जाए तो मैं ऑप्शन किसको दूंगा, डी को दूंगा मैं। आप किसको देना चाहेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स जरूर देखूंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।